कटी रह गयो बकरी मेरी बागनी ले गयो हमरा दकड़ बैठी रह गयो ओ बकरी मेरी बागनी ले गयो। हमारे साथ महादेव और हमारे भाई लोग हैं। हे गाइस गौरव मेहता व्लॉग्स बहुत एक्साइटेड है। सो आज हम कहीं जा रहे हैं, सो यहीं से व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अरे यार व्लॉग क्या स्टार्ट कर रहा है यार भाई, तेल तो कम है यार इसमें, अब कैसे होगा? तेल कम है, ऐसे लाया हो? अबे यार गाड़ी यहीं पे रोकनी पड़ेगी, आप कैसे करें? अबे मैं बता दूंगा, पैदल की दिक्कत होती है। चल 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 चल, एक्सीलेटर में पैर दे के रख, सफर को कभी रोकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना। अभी हम यहाँ पर पहाड़ की तरफ निकल रहे हैं, अभी हमें पता नहीं है कितना किलोमीटर चल सकते हैं, इसलिए मैंने कहा ये देखो हमारी ये दिखा रही है 64 किलोमीटर चल सकती है बस, इसलिए मेरे को हल्का सा झटका लगा। एवरेज दी है, एवरेज तो सही दी थी गाड़ी यार। यार ये तो बकचोदी हो गई पूरा। अब ऐसा करो तुम अपना व्लॉग स्टार्ट करो। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। इस दिन का वेट मैं बहुत टाइम से कर रहा था, जो चीज मेरे पे आज आई है मैं उसका टाइम बहुत टाइम हो गया था वेट कर रहा था। सो वो सीधा दुबई से आई है और उसका नाम है हीरो गोप्रो 10 ब्लैक और आई एम ऑलवेज वेयरिंग ब्लैक बिकॉज आई लव ब्लैक। सो हम कहाँ जा रहे हैं गोलू? अभी हम जा रहे हैं ये अनबॉक्सिंग करने इसकी, क्योंकि भाई अनबॉक्सिंग मैंने कहा था कहीं अच्छी जगह करते हैं, छोटी मोटी जगह होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए और अच्छी जगह होनी चाहिए। तो हम कहाँ जा रहे हैं आज भाई को? कांग्रेचुलेशन, क्या कहते हैं भाई ने गोप्रो 10 ले चुके हैं भाई। और भाई वादियों में जा रहे हैं क्योंकि भाई हम वादियों से जुड़े हैं, वादियों में जा रहे हैं। गोप्रो देख रहे हो, आई लव यूएई, उंगली हटा एक बार, यूएई आ रहा है, ये तो दिखा यूएई, तो सीधा दुबई से आया। और थैंक यू फॉर सब भैया भिजवाने के लिए, भाई बहुत टाइम लग गया इस चक्कर में, भाई जो वीडियोस थी मेरी आने में 10-12 दिन लग गए। अब जो वीडियोस आएंगी वो जल्दी जल्दी आती रहेंगी क्योंकि भाई गोप्रो के साथ बनाने में काफी इजी रहता है, काफी कन्वीनियंट रहता है, छोटा सा रहता है। तो जल्दी से भाई पेट्रोल भराते हैं और निकलते हैं। और पहाड़ तो पहुंच गए हैं पर हम थोड़ी जगह देख रहे हैं जहाँ पे थोड़े अच्छे व्यूज आए, क्योंकि भाई हम पे अब गोप्रो है, उसे अनबॉक्स करेंगे और उसकी कुछ वीडियोस आपको दिखाएंगे। और क्लियरिटी में आप बता देना डिफरेंस आया कि नहीं आया। वैसे ऑलमोस्ट बात भाई आएगा ही आएगा यार, गोप्रो है वो भी 10 गोप्रो भी 10 प्रो आ गया, 10 आ रखा है वो भी 10 आ रखा है, गोप्रो 10 आ रखा है। शांत रोड का किनारा है, गाल तुम्हारा है कि हमारा है? मैं तो सोच रहा कब जल्दी से लोकेशन में पहुंचा गोप्रो अनबॉक्स करके यूज करूं, मैं तो यूज ही नहीं किया। जल्दी जल्दी चार्ज करते हैं, उसको अनबॉक्स करते हैं, उसकी एक दो क्लिप लेते हैं। भाई गोप्रो में वीडियो बनाना बहुत इजी पड़ जाता है ना, बहुत काफी छोटा होता है और मेरे तो हिसाब से सही रहता है, उसको भाई रोटेट भी आराम से कर लेते हैं। और मैंने तो बंडल पैक ले रखा है, हमें कुछ ऐसी लोकेशन मिली है और हम सोच रहे हैं भाई यहीं पे अनबॉक्स कर लें, दादा ऊपर जाने का फायदा नहीं है क्योंकि पेट्रोल भी गाड़ी में कम है और हमने पेट्रोल भरा नहीं है। लोकेशन है और ये हमारे भाई लोग हैं। आ जाओ यार जल्दी आ जाओ, गोप्रो लिया ना, गोप्रो गोप्रो 10 की। और यहाँ पर देखिए शेर का भी खतरा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी टाइगर से कम नहीं है गाइस। चलो अब गोप्रो आ गया, ये देखो तुम्हारे से गोप्रो यूएई भाई, किसी का इंतजार था बड़े दिनों से, आज मिल चुका है ये, लव यू। हम थोड़ी ट्रैक भी कर रहे हैं ऊपर जाने के लिए, यहाँ पर अभी जाया जाएगा। अरे गोलू मेहता में तो बहुत एनर्जी आई भागते हुए पहाड़ क्रॉस कर दे रहे हैं। ओ गाइस ये देखो यहाँ पर पहुंचते ही हमारा गोप्रो आया नहीं और यहाँ पर पार्टी पहली हो चुकी है। पार्टी पहली हो चुकी है बडवाइजर मैग्नम, पर ये बहुत गलत चीज है, बहुत गलत चीज है। ऐसी गंदगी मत फैलाया करो, पहाड़ों को इतना देखो इतना सुंदर नजारा है और इसको इतना गंदा ना करा जाए प्लीज यार, लेके आते वापस घर लेके वापस ले जाया करो। चलो चलो उस लोकेशन में चलते हैं। बैठ गए आओ, मैं डाल दूंगा यार, ऐसे मत बैठो यार प्रेशर बन जाएगा मेरा तो। हम तो हल्के होके आ रखे हैं, हल्के होके आ रखे हैं, मैंने तो कुछ खाया भी नहीं वैसे, तेरा प्रेशर तो नहीं बनेगा सुबह तो। गाइस ये देखिए अब वो वक्त आ चुका है के एस एम राइडर का, ये गोप्रो 10 की अनबॉक्सिंग करेंगे यहाँ पर भैया। ये ऑलरेडी वैसे अनबॉक्स हो रखा था क्योंकि भैया ने दुबई से चेक करके भेजा था। हाँ हाँ, बाकी मैंने अंदर से खोल के देखा। ये देखो हमारे लिए तो न्यू है यार, न्यू वर ये देखो गाइस, यहाँ पर खोल दो ये देखिए गाइस, ये भाई का कैमरा। भाई को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन में है भैया, इसके बारे में भाई से निकालते हैं। ये भाई गोप्रो हीरो 10 है, तो भाई इसकी पन्नी निकाल दो, निकाल दो सब निकाल दो आज। भाई कूड़ा नहीं फैलाना, भाइयों ने इसकी सील निकाल दी है, सील तोड़ चुके हैं यहाँ पर गोप्रो, यहाँ पर बैटरी डले और सूट तो बनता है। ऐसे अगर आप खाली कैमरा लेते हो
तो दुबई में 33,000 का पड़ा है पर मैंने कॉम्बे बैग लिया, तो मैं आपको बताऊंगा इसमें मुझे क्या क्या ऐसी चीज मिली है और उसका मुझे कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। भाई को इंस्टाग्राम पे प्राइवेटली मैसेज कर सकते हैं फॉलो के साथ। तो भाई मैंने इसमें मेमोरी कार्ड बैटरी डाल दिया, सो फर्स्ट स्टार्ट। ये और ये देखो ऑसम नजारा के साथ ये आपको दिखाया जाएगा गाइज। ये देखो कितना तगड़ा कैप्चर ले रहा है यार। ये देखो अपना देवभूमि उत्तराखंड, गोप्रो 10 है भाई का, गोप्रो 10। ये यार क्या बात है। सो ये भाई अभी 2 मिनट सचिन तू पकड़ और मैं आपको दिखाता हूँ मुझे क्या क्या मिला। सो भाई इसमें मुझे एक एक्स्ट्रा बैटरी मिली है, बैटरी एक्स्ट्रा भाई होनी चाहिए ऑब्वियस बात है, शूटिंग तो कहीं खत्म है। और कुछ माउंट्स मिले हैं, ये जो मैं हेलमेट में लगा के ऑफिस आया मोटर व्लॉगिंग करूंगा। डंडा नहीं मिला इसका, डंडा इसका डंडा भी मिला, डंडा भी मिला। और भाई एक ये मिला है, इस स्ट्रिप्स को हम कभी भी बैग में अटैच कर सकते हैं या तो मैग्नेटिक है। अभी हम आपको गाड़ी में लगा के देंगे जैसे कि किसी भी मेटल में ये चिपक जाएगा, चिपक जाएगा और कहते हैं उसके बाद शूट होता रहेगा, कैमरा अपनी जगह से हिलेगा नहीं। अभी हम गाड़ी से संदूक से निकलेंगे ना उसमें लगा के दिखाएंगे, वो भी दिखाऊंगा और बोनेट में भी लगा के दिखाएंगे। भाई सबसे अच्छी चीज मुझे इसकी ये लगी, ये स्टिक से पकड़ियो, ये स्टिक है वो भाई। अरे क्या बात है, क्वालिटी है भाई, दिख रहा यार GoPro ही प्रीमियम है यार। ये देखो तो भाई मजा आ गया भाई, मैं अटैच करता हूं और उसके बाद थोड़ा व्लॉगिंग करते व्लॉगिंग करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो अब आएगी अब से वो GoPro के साथ आएगी विदाउट GoPro। ये वीडियो 4K 60fps में रिकॉर्ड हो रही है। सो भाई हम कैसे दिख रहे हैं और पता है ये फुल भाई, ये पूरी क्या कहते हैं सुपर व्यू में हो रही है, सुपर व्यू में। और ये लेटेस्ट GoPro 10 में यार शूट, यार मेरा तो फर्स्ट शूट है GoPro, मैंने आज तक देखा ही नहीं था भगवान कसम यार। भाई इसमें सिनेमैटिक्स भी होते हैं और इसमें 2-3 सेटिंग्स और हैं और इसमें वीडियो लास्ट में 5K तक रिकॉर्ड होती है, पर 5K में कितना पास से कितना ऑसम दिख रहा है कि भाई सुपर व्यू है ना यार। तो मैं आपको कुछ सिनेमैटिक दिखाता हूँ इसके और रिकॉर्ड करके। इस कैमरे की खासियत और ये काफ़ी स्टेबल रहता है, तो मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं स्टेबल हूँ कि नहीं हूँ। मैं बाकी एक बार दौड़ के देखता हूँ और मैं पता नहीं कैसा आ रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि सुना है मैंने काफ़ी स्टेबल रहता है वो, तो भाई लैपटॉप में जब इंस्टॉल होगी तभी पता चलेगा। और गोलू कैसा लग रहा है कैमरा भाई? अरे यार ऑसम यार, कैमरे में मजा आ गया यार, बिंदास यार मैं तो इतना अच्छा दिख रहा हूँ यार। अरे GoPro 10 की बात तो भाई धीरे धीरे इस वीडियो में कहते हैं GoPro को सीखेंगे, मैंने अभी तक कभी यूज़ नहीं किया था तो आज यूज़ कर रहा हूँ पहली बार। और भाई इसको यूज़ करने के बाद पहले वैसे मोस्ट प्रॉब्ली मैंने ये मोटर व्लॉग के लिए लिया था कि मुझे भाई क्योंकि फ़ोन से मेरी मोटर व्लॉगिंग हो नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं कहीं बाइक में जाता था तो मैंने एक दो जगह भाई इसको एक्सप्लोर किया था अभी दिल्ली में जब मैं गया था, तो भाई फ़ोन से नहीं हो पा रहा था तो मैंने सोचा भाई क्यों नहीं GoPro लिया जाए, तो इसलिए इस चक्कर में मैंने GoPro लिया है ओनली फॉर मोटर व्लॉग। और भाई सीरियसली इस कैमरे की क्वालिटी बहुत अच्छी है और मैंने इस दुबई से मंगाया है। और भाई दुबई से आप कैमरा मंगाते हो तो खाली कैमरा ही कैमरा ऑलमोस्ट 33,000 का आता सॉरी। और भाई मैंने तो बंडल पैक मंगाया जिसमें मेरी एसेसरीज मिली है, एक्स्ट्रा बैटरी मिली है और ये सेल्फी स्टिक मिली है। सो इसके साथ मुझे पूरा कैमरा और मैंने कहा एक मैंने माइक भी मंगाया, वो मैं आपको दिखाया नहीं है, जो उसका मीडियम मोड वाला माइक होता है वो मैंने मंगा रखा है, वो मुझे भी वहाँ से मैंने वहीं से ऑर्डर किया क्योंकि कोई कोई को सुनने में आया था कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता जल्दी से, सो मैंने यहीं से मंगाया। और भाई उसके साथ मेरी पूरी कॉस्ट ऑलमोस्ट 40,000 तक की पड़ी है। सो भाई अब गाड़ी में जाते हैं और देखते हैं इसकी स्टेबिलिटी कैसी है, स्टेबल कैसा रहता है गाड़ी में। वो मैग्नेट वाला कनेक्ट करते हैं, वो भी मैग्नेट वाला है उसको कनेक्ट करके गाड़ी में चला के देखते हैं एक बार ना, कहाँ आगे लगाएं छत पे लगाएं, छत पे लगाते हैं, छत पे लगाते हैं भाई आगे से निकल गया था तो छत पे लगा, इसको निकाल छत पे लगाते हैं और गाड़ी चलाते हैं सनरूफ से बाहर निकलते हैं। चलो और आपको गाड़ी में मिलते हैं सीधा। भाई ये मैंने मैग्नेटिक वाले में अटैच कर रखा, ओ भाई व्यू कितना तगड़ा आ रहा है।
वाले देख रहे हैं, हमें बोल रहे हैं ये लौंडे क्या कर रहे हैं, पर हम भाई सूफी में हमें कोई डर नहीं, हमारी गाड़ी अपनी है, अपना कैमरा है, हम सब कुछ कर सकते हैं। बुलेट में भाई, भाई आंखों में धूल धूल चली गई है। ट्रक चल रहा है आगे, देखो आगे जहाज चल रहा है, जहाज देखो क्या उसके ट्रक में क्या लिखा है, जहाज जहाज। तो भाई ये बहुत, भाई आगे निकाल लो यार, ये तो पीछे रोक लो, बहुत दूर उड़ा रहा है। पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप निकल चुका है, बट हम टनकपुर से भराएंगे। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया, पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और प्लीज इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना नई नई वीडियो देखने के लिए। और भाई मेरे पीछे व्यू देखो, और भाई अब मैं दिल्ली जाती हूँ, मैं अपने वोडो ब्लॉगिंग रेगुलर स्टार्ट करने वाला हूँ, सो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहें और चैनल के साथ बने रहें। और मेरे भाई लोग पीछे देखो क्या कर रहे हैं, प्ले म्यूजिक। भावना तकड़ बैठी रह गई, बकरी मेरी भागनी ले गयो, भावना तकड़ बैठी रह गई, ओ बकरी मेरी भागनी ले गयो। चलो भाइयों बाय बाय। मीठी मीठी बात मीठी है कभी प्यार, बैठी रह गई हूँ, बकरी मेरी बागन ले गया।